बालिका शिक्षा चुनौती तथा समाधान विषय पर शिक्षा संवाद सह निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित हुई। मधुबनी जिला मुख्यालय में राइट टू एजुकेशन फ्रॉम बिहार के द्वारा बालिका चुनौतियों तथा समाधान विषय पर आधारित शिक्षा संवाद व निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन शिवगंगा बालक 10+2 उच्च विद्यालय मधुबनी में आयोजित किया गया। शिक्षा संवाद व प्रतियोगिता कार्यक्रम में विद्यालय के कुल 430 छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर बच्चियों के अभिभावक भी शामिल हुए। विद्यालय के सभी शिक्षकों का इस कार्यक्रम में आयोजन एवं परिचर्चा में महत्वपूर्ण योगदान रहा। विद्यालय प्राचार्य रजनी झा ने बच्चों के बीच बालिका शिक्षा के महत्व पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। साथ ही RTEF के जिला संयोजक व विज्ञान शोध समिति के सचिव रंजीत कुमार ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस मौके पर मौजूद मोहम्मद अजमतुल्ला मोहम्मद परवेज ने भी अपनी बात रखे। साथ में मौजूद नरेंद्र प्रसाद, राधा देवी, मधु कुमारी, संगीता कुमारी, नवीन कुमार, अरुण कुमार, डॉक्टर अंजना कुमारी, अलका कुमारी, डॉक्टर कुमारी तृप्ति सहित दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाएं और अभिभावकों ने बच्चों को संबोधित किया। संबोधित के बाद विद्यालय के प्राचार्य रजनी झा और RTEF के संयोजक रंजीत कुमार ने विस्तार से बताया कि बालिका शिक्षा की चुनौतियों तथा समाधान। भारत देश के ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा अत्यंत ही संघर्ष से भरी हुई है। यहाँ की संस्कृति पितृसत्तात्मक रही है। बालकों की तुलना बालिकाओं को शिक्षा व विकास का अवसर कम प्रदान करती है। बालिका के माता पिता की गरीबी, अशिक्षा, रूढ़िवादिता बालिकाओं के प्रति नकारात्मक और संकुचित दृष्टिकोण, विद्यालय का वातावरण, महिला शिक्षक का न होना, दोषपूर्ण परामर्श एवं निर्देशन का अभाव, माता पिता का रवैया, सामाजिक आर्थिक स्थिति, बुनियादी ढांचे की कमी, सुरक्षा दर का वातावरण, लिंग आधारित हिंसा, स्कूल में उचित स्वच्छ सुविधा का अभाव, शौचालय ना होना या खराब हालत में होना, सामाजिक चेतना का अभाव, शैक्षणिक प्रबंधन की समस्या, पर्दा तथा बाल विवाह, छोटे भाई बहनों की देखरेख, घरेलू काम में सहयोग देना आदि बातें इसके लिए जवाबदेह हैं। समाधान बालिका शिक्षा के लिए उचित माहौल वातावरण की गारंटी, आवश्यक विद्यालय की व्यवस्था, महिला शिक्षक पुस्तकालय की उपलब्धि, माता पिता द्वारा लिंग भेदभाव नहीं करना तथा बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, पर्दा तथा बाल विवाह पर रोक लगाना, बालिकाओं के मनोरंजन का उचित साधन की व्यवस्था होना चाहिए। आज बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय में बालिकाओं के बीच बालिका शिक्षा की चुनौतियाँ एवं समाधान विषय पर संवाद एवं लेखन प्रतियोगिता किया गया है। बच्चों से जानकारी ली गई कि बच्चे क्या क्या समस्याएं होती हैं, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चों के जीवन में किन किन समस्याओं से उन्हें होना पड़ता है, उसका समाधान क्या होगा, उसका पहल बच्चे कैसे करेंगे, उनके माता पिता के विभाजन का शिकार कैसे होते हैं, उनके साथ लिंग भेद कैसे होता है, बच्चों को जो है सो शौचालय या व्यवस्थाएँ रहती है कि नहीं रहती है, उनका जो विद्यालय का कार्यक्षेत्र है, विद्यालय कार्यक्षेत्र को कोई संतो नहीं है, वो उनके लिए डर का माहौल नहीं है, उनके सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, इन सारे चीज़ों पर आज व्यापक चर्चा इस सेमिनार के माध्यम से की गई है। बच्चों ने लगभग इस विद्यालय के 500 बच्चियां ने इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, सारे शिक्षक भाग लिए हैं, सारे ने इस चर्चा परिचर्चा में शामिल होकर मुझे भी और सारे लोगों ने ओतप्रोत हुआ है। खास करके RTE क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार क्या कहता है, सरकार का क्या क्या प्लान है, समाज कैसे उसमें काम करेगी और बच्चे को किस रूप में आगे बढ़ना है, इन सारे बातों पर आज व्यापक चर्चा हुई है। धन्यवाद। एजुकेशन फोरम के द्वारा बालिका शिक्षा चुनौतियां तथा समाधान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसमें बच्चियों को अच्छे ज्ञान दिए गए हैं कि किस तरह वे आगे बढ़ेगी और उनके द्वारा राइट टू एजुकेशन फोरम के द्वारा मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर रजनी झा, प्रिंसिपल शिवगंगा हाई स्कूल।